यार आज सो जाता हूँ, कल बाल कटाऊंगा। कमरे की सफाई कर लूंगा यार, कल कर लूंगा। कमरा इधर, ये कौन सा कहीं जा रहा है? चलो अब सोते हैं। यार कल भी मैंने कहा था कि बाल कटाऊंगा, कल कटवा लूंगा यार। ईद नजदीक आ रही है, कर लूंगा यार, अभी थका हुआ इतना। सो जाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि बात करूंगा, तो मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है, इतनी बड़ी हो गई आप यार। और कमरे की सफाई आज भी नहीं की मैंने, इतना गंदा कमरा। क्यों ऐसा होता है? हर रोज मैं अपने आप को कहता हूँ करूँगा करूँगा, लेकिन काम कल कल करके मैं करती नहीं हूँ। सर ऐसा क्यों करते यार तुम? There is something wrong happening in my life. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हर स्टूडेंट की कहानी है कि हर स्टूडेंट कहता है कि मैं आज कल काम करूंगा ये, लेकिन वो कल कभी नहीं आती है। और मुझे अपने बचपन की एक चीज़ याद है कि मैं जब मैट्रिक की तैयारी करता तो हमारे टीचर थे गांव के अंदर ही, तो वो मुझे पढ़ाते थे, तो ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर। तो मैं बाजू का ना थक जाता था, तो मैंने कहता था कि सर ये कल काम कर लो। वो कहते थे नहीं आज ही करो, और वो सर कहते थे कि बेटा जो आज नहीं ना करेगा वो कल भी नहीं करेगा। तो ये बात सच है, 100% ट्रू है। और मैं अपने आप को कब से तसल्लियाँ दे रहा हूँ, मैं घर की मैंने कमरे की अपनी सफाई आई थिंक मैंने 2 हफ्ते के बाद की है, और बाल मुझे अपने आप को ये भी 2 हफ्ते कहते हो गए, 2 हफ्ते हो गए कहते हो गए कि मैं बाल कटवाऊंगा, कल कटवाऊंगा, कल कल कटवाऊंगा, वो कल ही नहीं आ रही है। हर रोज अपने आप को जब सोता हूँ तो मुझे एक यार होता है कि मैं हर रोज कितनी की तसल्लियाँ अपने आप के साथ कितने झूठ बोलूंगा। तो फाइनली आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना लाई टू माई सेल्फ। तो सफाई मैंने कमरे की कर ली है। और दूसरी चीज, जब मैं इधर शिफ्ट हुआ तो कमरे के अंदर कारपेट नहीं था, तो मैंने सोचा हुआ था कारपेट लेके आना है। और हमारे घर में एक बकेट वाला मॉप होता है, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी डाला था, तो मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। वो महीना हो गया मुझे अपने आप को कहते हो कि मैंने ढूंढा ढूंढा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कल नहीं आई और ना मैंने अभी तक ढूंढा है। तो वो मॉप का बड़ा मसला होता है, वो दूसरे लड़के भी यूज़ करते हैं, तो हाथ के साथ ड्राई करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर बकेट और मॉप इकट्ठा होता है। तो वो आज मैं लेके आऊँगा। अब अपने आप से और झूठ नहीं बोलने मैंने, तो जो पोस्टपोन काम किए हुए हैं मैंने अपने आप से हर रोज़ कहता हूँ कल कल कल, वो आज सारे करने हैं। बाल कटवाने हैं, कमरे की सफाई डन है, और मॉप लाना है। तो आज आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा। वीडियो भी काफ़ी दिनों से मैं नहीं था डाल रहा, सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं इतना मैसी लग रहा था, अपने आप को ही मैं अच्छा नहीं था लग रहा, तो मैं कहा यार वीडियो के अंदर कितना बुरा लगूंगा। तो कमरे की सफाई कर ली है मैंने, बेडशीट सही कर ली है, और मॉप भी लगा दी है, स्वीप भी लगा दी है, बाकी सारा काम। यस, तो 8:04 हुए हैं, सुबह का टाइम है, सूरज बिल्कुल निकला हुआ है, घर के सामने है और सीन बहुत प्यारे हैं। गाइस सीन ये है कि अभी 8 बजे हैं, तो पहले मैं बकेट ढूंढूंगा मॉप वाली, और दूसरे नंबर पे बाल कटाऊंगा। तब तक ये दुकानें भी खुल जाएंगी, एटलीस्ट 10 बजे शॉप खुलती हैं बाल कटाने वाली। प्लम्पटन मार्केट प्लेस पहुंच चुका हूँ जहाँ वूलवर्स है। तो मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मॉप विद बकेट आपको मिलेगा वूलवर्स में, देखते हैं मिलता है कि नहीं। पता नहीं अभी वुलीज से मिलता है कि नहीं अब, बट आई विल ट्राई। मैंने आज कमिट किया है अपने आप से कि कहीं से भी मिले, सिडनी के किसी भी कोने से मिले, आज बकेट विद मॉप आएगा ही आएगा घर में। शॉप्स हैं इधर, आपने पहले भी मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है। इधर रेस्टोरेंट्स हैं, फिर वुलीज सामने है, वुलीज बहुत बड़ा है, हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी चीज़ मिलती है कि नहीं। आयल बनी होती हैं सामने, चीज़ें नाम लिखा होता है कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स हैं इस ऑयल के अंदर, और इधर चिप्स ही चिप्स हैं, उधर ऊपर लिखा हुआ एनर्जी ड्रिंक जूस, जैसे कि इस ऑयल 5 में बिस्किट्स हैं, क्रैकर्स हैं। तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं,
यहाँ भी नहीं, लगता है मैंने ज़्यादा स्पीड मार ली। चिल जूस, शुगर, चीज़ डिप्स नहीं, आइसक्रीम, डिज़र्ट, पेस्ट्री, ओह माय गॉड कहाँ मिस कर दिया मैंने। मैंने ढूंढने की कोशिश की है जहाँ क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हों, लेकिन मुझे ऑयल नहीं मिली, तो फाइनली हेल्पलाइन यूज़ करनी पड़ेगी। वूलवर्थ्स के स्टाफ मेंबर से पूछते हैं। The animals that were caught are there at the moment, we did have a set in a box for $50, but they're all gone, I think, unless there's ये है कि जैसा मैं लेना चाहता हूँ उनके पास वैसा नहीं है। वो बिल्कुल बहुत छोटे वाला, छोटा सा कमज़ोर सा नहीं होता है जो दो तीन दिन के अंदर ही टूट जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन दो हैं कि मैं इसके साथ कंप्रोमाइज़ करूँ या और स्ट्रगल करूँ और उसे ढूंढूँ। क्विट करने का डिसीजन नहीं लिया, उसे ढूंढूंगा। तो वूलवर्थ्स आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने दोस्तों को फ़ोन किया लेकिन वो सारे सोए हुए हैं। मैं उनसे आइडिया लेता हूँ कहाँ से मिलेगा। हम भी पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ लगाया है। मैं वो शॉप थी सामने, मैंने उससे पूछा कि आपके पास कौन सा बकेट है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं से मिल नहीं रहा। तो उसने मुझे कहा बिग डब्ल्यू से चेक करो। तभी बिग डब्ल्यू पे चेक करते हैं। मेरे बिग डब्ल्यू बंद है और ये खुलेगा 9 बजे। माशाल्लाह 9 बजे में, और 9 बजने में अभी 24 मिनट है। तो मैं अकेला इंतज़ार नहीं कर रहा बिग डब्ल्यू का, बहुत ज़्यादा लोग। मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और हम अपनी लाइन में अपनी जगह पर सबसे पीछे, क्योंकि हम बैठ के अपनी वीडियोज़ देख रहे थे। फाइनली आई एम इन साइड बिग डब्ल्यू। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और इसमान है रख लो ट्रॉली लेके जाते। फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई, जो मैं ढूंढ रहा था वो चीज़ मिल गई है। ये वाला मॉप पकिट और मॉप लेना था। ये जो आंसर है ये अच्छे वाला है। जो पहले वाले थे वो हाँ इसी तरह का था, मतलब कमज़ोर वाले का। तो ये सबसे अच्छे वाला है भाई। $55 का है लेकिन वर्थ रखता है इतनी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। सो फाइनली आई गॉट इट, कंग्रेस टू मी कि इतना इंतज़ार किया, इतनी जद हो जाए कि यस आई डिड इट। पहले बिग डब्ल्यू आया हुआ लेकिन इतनी डिटेल से मैं चीज़ें नहीं देखी, लेकिन यार ये हर किस्म की चीज़ें हैं यार, प्यारा बना हुआ है। काफ़ी प्यारी चीज़ें हैं यार इनके पास, मतलब काफ़ी बड़ा है। मैं थक जाऊंगा लेकिन आपको दिखा नहीं सकूंगा सारा। ये लंच बॉक्स, टिफ़न बॉक्स जो भी है सब कुछ है इनके पास। टास्क वन कम्प्लीटेड, लेकिन वो टास्क वन की वजह से ना मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली। खरीदने में घर से ये आया था और ये। फाइनली अपने टास्क टू पूरा करने के लिए पहुंच चुका, बाल कटवाने हैं। तो आज बहुत ज़्यादा रश है, नॉर्मली इतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज डाइन इन खुल गया रेस्टोरेंट्स में। रेस्टोरेंट में पहले आप बैठ के नहीं थे खा सकते, सिर्फ घर खाना लेके जाके खा सकते। मैंने सोचा हुआ था कि मैं ईद से 2-3 दिन पहले कटिंग करवाऊंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बियर्ड बढ़ गई है कि इतना ही इरिटेशन होती है और इतनी मैसी लगती है। मैंने कहा नो कम्प्रोमाइज़, आज ही करवानी है। चलो इधर तो लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी यार। शिट, थैंक्स ब्रदर फॉर नाइस हेयरकट। डिड वेरी वेल मैन, यू डिड गुड जॉब। फाइनली हेयर कट डन। जो टास्क आज मैंने की रखे थे वो पूरे हो गए पहली दफा। फाइनली अभी घर चलते हैं, तारी करनी है, रोजा लग रहा है। बहुत ज्यादा काम किया आज मैंने। घर पहुंच चुका हूँ फाइनली। जो मैंने टास्क कब से सोच रहा था और कब से करने की कोशिश कर रहा था लास्ट 2 हफ्ते से, आज मैंने किए। तो थैंक यू सो मच, मेरा इतना लंबा व्लॉग, आई थिंक इससे पहले मैंने इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। और लास्ट पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भी आप काम करना चाहते हो ना, उसे उसी टाइम करो, जस्ट डू इट। अगर आप कहोगे ना कल करूँगा, तो वो कल
बड़ी मुश्किल से ही आती है। यार सामान जो मैं चीज़ें लाया था वो अंदर शिफ्ट कर रहे थे, तो ये हमारे घर तीन मेहमान आए हैं, ये इनका अभी इनकी एडवर्टीजमेंट करनी है, उनके नाम भी अभी सोचने हैं। बाकी मैं कपड़े लेके आया हूँ, कुछ चीजें अंदर रखी हैं, सभी चीजें जो कुछ मैं रूम के लिए लाया हूं। राजा जी आपने कमेंट नहीं दिया मेरी कटिंग पे यार, ये तो बड़े सोने लग रहे हो मुझे साहब। लग रहा है नहीं चल रहा है तेनू। कितनी कैसी कटिंग अच्छी लग रही है, प्यारे लग रहे हो यार। अच्छा वो तो प्यारे ही पहले की बहुत प्यारे लग रहे हो। सही है, तो अफतारी की तैयारी कर ली हुई है, अभी अफतारी करने लगे हैं। तो बाकी दो हमारे जो जवान है वो कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं कुछ चीज़ें लेने, तो अभी आने लगे हैं, फिर रोज़ा खुलने वाला थोड़ी देर तक, तो फिर हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। ये जो सबसे अच्छा वाकया जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि एक पाकिस्तानी औरत है, तो रेस्टोरेंट में इंडियन रेस्टोरेंट में काम करती हैं, तो उन्होंने मेरे जाने वाले उन्होंने मुझे कहा रोज़ा रखा है, मैंने कहा उन्होंने दो समोसे सालन जिसके अंदर दो कढ़ी रात चावल दिए, तीन सालन सॉरी, फिर सॉल भी दिए साथ यार, वाह हम इजाजत दें, मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।